दस दिन से लोग योजना बना रहा था, हम इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, तो दस दिन से ये लोग योजना बना रहा था कि इसको हम जान से मार देंगे। आज जान से मरने की ही साजिश थी, लगना किसी तरह बचे। आज जान से मरने की ही साजिश थी, लगना किसी तरह बचे। बेगूसराय में एक बार फिर रिश्ता तार तार हुआ, जहां एक पत्नी को अपने पति से पैसा मांगना उस वक्त महंगा पड़ गया, जो पति ने अपने पत्नी को चाकू से गोद कर हमला कर दिया। हमला देखकर मां को बचाने आए तो पुत्र को भी पिता के द्वारा चाकू से गोद गोद कर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में मां और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह इलाजरत है। यह घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर वार्ड संख्या 11 की है। वहीं घायल मां और पुत्र की पहचान बीरपुर वार्ड संख्या 11 के रहने वाले नवल किशोर सिंह की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पुत्र हिमांशु कुमार के रूप में की गई है। घायल राजकुमारी देवी ने बताया कि आज सुबह काम के लिए उनसे पैसा मांगे, पैसा मांगने से नाराज होकर हम पर चाकू से हमला कर दिया। जब हमला देख मुझे बचाने मेरे पुत्र भी आया तो उसे भी धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पुत्र हिमांशु कुमार ने बताया कि जब से दारोगा डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, तब से ही घर में हमेशा मां के साथ मारपीट करते रहते हैं। आज भी मां के द्वारा किसी काम के लिए पैसा मांगा गया, इससे नाराज होकर चाकू निकालकर मां पर हमला कर दिया। जब मां को बचाने के लिए गए तो मुझ पर भी चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में मां और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बीरपुर थाने पुलिस को दी। मौके पर बीरपुर थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार नवल किशोर सिंह पेशे से दारोगा थे और नगर थाने में पदस्थापित थे। कुछ दिन पहले ही नगर थाना से वह रिटायर हुए हैं। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। आज के कारण का मारपीट का कारण बस यही है, मम्मी बोल रही थी कि घर में सामान कुछ ला के दीजिए, नया बेटी है, सब है, खर्चा पानी कहाँ से भोजन करे, वो भाई जो भी कमाता है वो अपने भाई को देता है। तो ये मांग रहे थे कि इसके साथ मारपीट किया था, हम बचाओ ना, तो मेरे साथ ही सब किया। क्या चीज़ से मारा आपको? घर वाले के हथियार का चाकू टाइप का, इतना बड़ा चाकू से वो हुआ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। पिता का नाम? नवल किशोर है। इनका ये जो इनको इनका क्या नाम है? माँ का? राजकुमारी देवी माता का नाम। पिटना शुरू कर, कब रिटायर किए हैं? 2005 में किए हैं। 2005 में किए हैं। लगातार झगड़ा होते रहता है? बहुत परेशान, बहुत मारता पीटता है, गाली गलौज बेटी को, हमको जब से शादी की तभी से। जब पुराना आदत है शुरू से भी, बहुत जब से शादी हुआ ना कभी हमको चैन नहीं दिया, ना सुख का ही बहुत। क्या चीज में वो जॉब करते थे? थाना में। क्या बिहार पुलिस में दरोगा थे? हाँ, अभी लास्ट में रिटायर के टाइम में एक साल के बाद दरोगा थे। क्या नाम थे? सिपाही थे। कहाँ कहाँ पोस्टेड थे वो? टाउन थाना, अपने टाउन थाना। क्या नाम था इनका? नवल किशोर। घर? दस दिन से लोग योजना बना रहा था, हम इस चीज का विरोध कर रहे थे, तो दस दिन से ये लोग योजना बना रहा था कि इसको हम जान से मार देंगे। आज जान से मरने की ही साजिश थी, लगना किसी तरह बचे। कितने आदमी घायल हैं इसमें से आप लोग? दो आदमी घायल। थाना में आवेदन दिए या फिर? आवेदन नहीं दिए, अभी जाएंगे तो फिर आवेदन। क्या बोले थाना? वहाँ बोले पहले इलाज करवा लो, फिर आए।